सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल मी वाई 5.0 अपडेट न्यूज़ के बारे में और जानेंगे कि हमें अप्रैल 2024 के मंथ में लेटेस्ट यहाँ पे कौन सा अपडेट देखने को मिला है। सभी कुछ आगे वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपडेट की बात करें ना, तो इंडिया के अंदर रियल मी नार्जो 70 प्रो 5G डिवाइस के लिए अप्रैल 2024 के मंथ का लेटेस्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। बात कर लेते इस अपडेट की UI वर्जन की, RMX 386811A.11 इस अपडेट का UI वर्जन है। वैसे गाइस, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिला है या फिर नहीं। अगर आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को नहीं मिला है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, 7 से 10 डेज का आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। बाकी गाइस, इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस के सिस्टम में ऑप्टिमाइज सिस्टम स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइज एयर गेस्चर पावर कंजप्शन टू इंप्रूव बैटरी लाइफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर डिवाइस के सिस्टम परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया, इंप्रूव किया गया, साथ ही डिवाइस के सिस्टम स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव किया गया। देन इसके अलावा यहाँ पर एयर गेस्चर पावर कंजप्शन टू इंप्रूव बैटरी लाइफ एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपको बैटरी लाइफ काफी अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है पहले के कंपेरिजन में। देन इसके अलावा गाइज, यहाँ पर डिवाइस के कैमरा वाले सेक्शन में ऑप्टिमाइज दी ब्राइटनेस ऑफ इंडोर एंड आउटडोर पोर्ट्रेट सीन टू इम्प्रूव कैमरा इफेक्ट्स। देन इसके अलावा ऑप्टिमाइज दी कलर कास्ट प्रॉब्लम ऑफ दी फ्रंट कैमरा एंड ऑप्टिमाइज दी कलर कास्ट प्रॉब्लम ऑफ दी रियर कैमरा। सो गाइज, यहाँ पर कैमरा वाले सेक्शन में पोर्ट्रेट सीन में इंडोर एंड आउटडोर में कैमरा के ब्राइटनेस को इम्प्रूव किया गया है। एंड गाइज, फाइनली यहाँ पर डिवाइस के फ्रंट एंड रियर कैमरा के कलर कास्ट प्रॉब्लम को इस अपडेट के बाद ऑप्टिमाइज किया गया है। वेल, नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर रियलमी C30S डिवाइस के लिए भी अप्रैल 2024 के मंथ का लेटेस्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। एंड इस अपडेट का जो UI वर्जन है ना, RMX 3690 12A.54 है। वैसे गाइज, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिला है या फिर नहीं। एंड इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस के सिक्योरिटी में अपडेट्स एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच मार्च 2024, यहाँ पर देखो मार्च 2024 के मंथ का सिक्योरिटी पैच को प्रोवाइड किया गया है, जो की काफी बढ़िया बात है। देन इसके अलावा डिवाइस के सिस्टम में ऑप्टिमाइज दी सम नॉन इश्यूज एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। यहाँ पर देखो, आपके डिवाइस में इन दिनों जो भी बग्स आ रहे थे ना, माइनर यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को इस अपडेट के बाद फाइनली फिक्स्ड कर दिया गया एंड आपके डिवाइस के सिस्टम स्टेबिलिटी को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। बाकी दोस्तों, इस अपडेट के बाद यहाँ पे और कोई भी फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। ये जो अपडेट आया था ना, खासकर सिक्योरिटी पैच के लिए आया था, जिसमें कि आप लोगों को मार्च 2024 के मंथ का सिक्योरिटी पैच प्रोवाइड किया गया है। तो गाइज, बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगी तो यहाँ पर एक लाइक जरूर करें, चैनल में हो फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को मैं प्रेस कर लेना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी गाइज, मैं मिलता आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।